दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी अकाउंट की रिपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप सोच रहे हैं कि भाई ये वाला अकाउंट फेक कंटेंट बनाता है, मतलब या फिर कोई आपके ही नाम से किसी ने गलत अकाउंट बनाया हुआ है, किसी भी कंडीशन से अगर आप किसी अकाउंट की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट करने का प्रोसेस आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ले चलकर मैं सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सामने मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट करने का प्रोसेस एक तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम टीम को खुद के अकाउंट के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपको किसी अकाउंट से प्रॉब्लम आ रही है तो उस अकाउंट की रिपोर्ट आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को बता सकते हैं भाई ये फेक अकाउंट इसने मेरे नाम से बनाया हुआ है, या फिर अश्लील कंटेंट डाल रहा है, या फिर कोई ऐसा कंटेंट डाल रहा है जिससे आपको दिक्कत हो रही है, मतलब फेक कंटेंट है या आपके होम पेज पर बार बार आ रहा है तो आपको भी पसंद नहीं आ रहा, उसके अकाउंट की आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तो अकाउंट की रिपोर्ट कर सकते हैं कंप्लीट, या फिर उसके कंटेंट की रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रील की रिपोर्ट कर सकते हैं, रील की या फिर पोस्ट की, किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट की। तो अब करना क्या है, जैसे मुझे ये सामने मेरी वीडियो चल रही है, भाई ये जेन्युइन वीडियो वैसे तो, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो से आपको प्रॉब्लम है कुछ भी, तो आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट दिखेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिख जाएगा नीचे ही नीचे रिपोर्ट का, रिपोर्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लेने, भाई किस वजह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या आपको इस कंटेंट में दिख रहा है, जैसे रील में कुछ दिक्कत आ रही है आपको, कोई फेक है, जैसे यहाँ पर आई जस्ट डोंट लाइक इट, इट्स स्पैम, न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, इनको सेलेक्ट करके आप इंस्टाग्राम को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट आपके इंस्टाग्राम के पास सबमिट हो जाएगी, क्योंकि मैं भी रिपोर्ट करके दिखा रहा हूँ भाई इस अकाउंट की रिपोर्ट मैं क्यों करूँ। ये तो हो गया रील पर रिपोर्ट करना। अब आपको मान लो इस अकाउंट से ही दिक्कत है, मान लो इस अकाउंट पर क्लिक कर देना है, इसकी प्रोफाइल पर आ जाना है, इसकी प्रोफाइल पर चलते हैं, इसकी प्रोफाइल यहाँ पर आ गई है, ओपन करते हैं पर इसकी प्रोफाइल। यहाँ पर जैसे इसकी प्रोफाइल मैंने ओपन कर ली है, अब आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट दिखेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने वाला को ऊपर ही पर रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे शो हो रहा है ए स्पेसिफिक पोस्ट, आपको किसी एक पोस्ट से दिक्कत है, जैसे कोई रील वगैरह से, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं भाई किस पोस्ट से आपको दिक्कत है, किस रील से दिक्कत है, उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे और दूसरा ऑप्शन शो हो रहा है समथिंग अबाउट दिस अकाउंट, मुझे तो भाई इस अकाउंट से प्रॉब्लम है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है भाई क्या प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को बताकर ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। इंस्टाग्राम टीम के पास आपकी रिपोर्ट पहुँच जाएगी। अब रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ भाई। रिपोर्ट करने के बाद होगा कि आपने इस अकाउंट की रिपोर्ट कर दी, लेकिन इंस्टाग्राम आपकी रिपोर्ट करने से एक बार हो सकता है चेक भी कर ली इस अकाउंट को। लेकिन अगर आपको आप इस अकाउंट को चेक करने के बाद इंस्टाग्राम को इस पर कुछ भी दिक्कत नज़र नहीं आई, मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट नज़र नहीं आया, तो इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेगा इंस्टाग्राम। और एक अकाउंट के इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। मान लो मैंने रिपोर्ट कर दी, मेरी किसी से दुश्मनी है लेकिन उसका कंटेंट भी अच्छा है, मैं दुश्मनी के तौर पर उसको अगर अकाउंट को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे अकेले अकाउंट को रिपोर्ट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल क्वांटिटी में इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट होनी चाहिए उस अकाउंट के लिए, उस अकाउंट के लिए मल्टीपल क्वांटिटी में रिपोर्ट जाएगी, तब इंस्टाग्राम चेक करेगा, रिव्यू करेगा अकाउंट का, उसको अगर प्रॉब्लम नज़र आएगी तब जाकर उस कुछ एक्शन लेगा। आपके कहने से ही इंस्टाग्राम किसी भी अकाउंट के लिए रिपोर्ट करने पर एक्शन नहीं लेगा, तो सबसे पहले वो चेक करेगा तब जाकर कुछ एक्शन लेगा। तो भाई रिपोर्ट करने का प्रोसेस तो यही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।